हेलो माय डियर स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विजार्ड वर्ल्ड में आपका स्वागत है आज हम आप लोगों के लिए क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश के प्रोज सेक्शन से एक समरी लाया हूँ जिसका नाम है द आर्टिस्ट जिसे सीगानोया द्वारा लिखा गया है आज हम इसे समझाएंगे बहुत ही सुंदर ढंग से मैंने लिखा है इसमें सिंपल और लिसिड लैंग्वेज का मैंने यूज किया है ताकि किसी भी स्टूडेंट को समझने में दिक्कत ना हो और एक से दो बार पढ़ने के बाद आप उसे अच्छे ढंग से एग्जाम में लिख पाएंगे तो हम इसे समझाते हैं आप इसे समझने की कोशिश करें आर्टिस्ट इज एन इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेशनल स्टोरी हैज नाइसली बीन रिटेन बाय एन इमिनेंट जापानीज राइटर शिगानोया आर्टिस्ट जो है शिगानोया जो कि जापानीज बहुत ही प्रख्यात जापानीज राइटर है जिसका नाम है सिगा नोया ये क्या है एक मोटिवेशनल और इंटरेस्टिंग स्टोरी है प्रेरणा देने वाले रोचक स्टोरी है क्योंकि इसे जब आप पढ़ेंगे तो आप इसे समझ में आएगा कि एक लड़का का कहानी है वो टैलेंटेड रहता है लेकिन बाद में उसके सारे डिजायर को क्रश कर दिया जाता है उसके पेरेंट्स के ही द्वारा तो आप इसे समझने की कोशिश की जाइए शुरू का इंट्रो है जंग से लिखते हैं अब आगे देखिए इसका बॉडी को इन दिस प्रेजेंट स्टोरी इस प्रस्तुत कहानी में ही यानी राइटर ही एक्सप्रेसेस ए ट्वेल्व इयर्स ओल्ड टैलेंटेड बॉय सिबई इसमें एक बारह साल का एक टैलेंटेड बॉय रहता है जिसका नाम है सिबई हु इज फाउंड ऑफ फाउंड ऑफ कलेक्टिंग गार्ड्स उसे शौकीन होता है गार्ड कलेक्टिंग करने का गार्ड यहाँ पे लॉकी को रिप्रेजेंट करता है एंड पॉलिसिंग देम टू मेक ब्यूटिफुल उसे सुंदर बनाकर बनाने के लिए उसे क्या करता था पॉलिस करता था तो ये इसका आदत था वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा समय इसमें लगाता था वंस ही अ फाइव इंच लॉन्ग गार्ड फ्रॉम एन ओल्ड लेडी एक बार उन्होंने एक पांच इंच का एक यूनिक पीस था जो उन्होंने खरीदा उसे एक बार में ही पसंद आ गया था उसे खरीदा एंड वॉच पॉलिसिंग अंडर द टेबल इन क्लासेस और वह एथिक क्लास में एथिक क्लास या स्टडी ऑफ मॉडलिटी जो पढ़ाई हो रहा था उसी क्लास में वह टेबल के अंदर पॉलिस कर रहा था ए टीचर काउट हिम रेड हैंडेड एक शिक्षक ने उसे रगे हाथों पकड़ लिया और उस गार्ड को से ले लिया एंड ऑल्सो कंप्लेंट हिज पेरेंट्स In a brutal manner, और उसके पेरेंट्स को भी उसके इस ने ब्रूटल मैनर में बहुत ज्यादा गुस्से में बहुत ज्यादा भाव में तेज में जाके उसके पेरेंट्स को कंप्लेन कर दिया हिज फादर स्मेस्ड ऑल हिज गार्ड्स एंड कंपेल्ड हिम टू गिव अपर और उसके पिताजी ने गुस्से में क्या किया था उसके सारे गार्ड्स को क्या कर दिया स्मैश्ड कर दिया नष्ट कर दिया एंड कंपेल्ड हिम उसे बाध्य कर दिया टू गिव गिव अप हिज डिजायर और उसे इस तरह के जो इच्छा था गार्ड कलेक्टिंग का वो उसे क्या करना है उसे छोड़ देने के लिए कंपेल्ड कर दिया द स्टोरी शोस और ये कहानी इस प्रकार से दिखाता है हाउ द डिजायर ऑफ अ बॉय इज स्पॉइल्ड बाय हिज फादर और इसमें दिखाता है कि कैसे एक लड़के के इच्छा को उसके पेरेंट्स के द्वारा ही स्पॉइल्ट किया जाता है बर्बाद किया जाता है दैट इज नॉट फेयर फॉर हिम यह उसके लिए अच्छा नहीं था और एनी चाइल्ड और किसी भी चाइल्ड के लिए इस तरह से ये कहानी है मैंने इसे कहानी में सारी बात को पॉइंट किया है तो आप इसे समझे किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप मेरे व्हाट्सएप से डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं और इसे एक दो बार प्रैक्टिस करें ताकि आप इसे एग्जाम में अच्छे ढंग से लिख पाए Thanks for watching my video.